नेक्स्ट नाइन न्यूज आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक और नायरा के किरदार से मशहूर हुए मोहसिन खान और शिवांगी जोशी। इस जोड़ी को भरपूर प्यार मिला अपने फैंस की तरफ से, लेकिन बीते कुछ समय पहले ही इस शो से दूरी बना चुकी है शिवांगी जोशी और मोहसिन खान। इसी बीच देखने को मिला कि फैंस इस प्यारी सी जोड़ी को मिस करते हुए दिखाई दिए हैं। जहां एक तरफ शिवांगी जोशी आप सभी को नजर आ रही हैं बालिका वधू सीजन 2 में, वहीं दूसरी ही तरफ मोहसिन खान अपनी कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त नजर आए हैं। इसी बीच फैंस यहां पर इंतजार करते हुए देखे गए हैं कि आखिरकार कब एक बार फिर से ये जोड़ी दोबारा साथ में देखने को मिलेगी। वेल, आप सभी का इंतजार अब खत्म होने को जा रहा है। रिसेंटली शिवांगी जोशी ने अपने इंटरव्यू में तमाम बातों को शेयर किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा कर दिया है एक बार फिर से मोहसिन खान के साथ काम करने को लेकर। आइए बताते हैं क्या कहती हैं शिवांगी, देखिए ये रिपोर्ट। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा और कार्तिक का किरदार निभाकर घर घर में अपनी खास पहचान निभाई मोहसिन खान और शिवांगी जोशी ने। फैंस इंतजार कर रहे हैं एक बार फिर से इस जोड़ी को साथ में देखने का। फैंस के लिए गुड न्यूज आ चुकी है कि एक बार फिर से दोनों एक नए प्रोजेक्ट में साथ में नजर आएंगे। शिवांगी जोशी ने खुलासा किया है अपने इंटरव्यू में। दरअसल आपको बता दें बालिका वधू के आखिरी दिन इस बारे में उन्होंने बातचीत की। इस प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि चीजें जब भी होंगी सबको पता चल जाएंगी। शिवांगी कहती हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती, मैं वास्तव में इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन हाँ इसके बारे में बात हुई है और जब भी प्रोजेक्ट होगा सभी को इसके बारे में पता चल जाएगा। मैं इसके बारे में और बात नहीं कर सकती हूँ, ईमानदारी से कहूँ मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि बातें नहीं हुई है, बातचीत जारी है और देखते हैं कब कैसा होता है सब कुछ। अगर राजन सर ने कहा कि हम जल्द आ रहे हैं तो हम जरूर आएंगे, जब भी होगा जैसा भी होगा मुझे यकीन है ये खूबसूरत होगा। डीकेपी मेरे लिए एक परिवार है और अगर मुझे फिर से इस परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिला है तो मुझे आने में बहुत ही खुशी होगी। जो भी होगा अच्छे से होगा और खुशी खुशी होगा। इस तरह से शिवांगी जोशी ने अपने दिल की बात की। वेल, आपको बता दें बालिका वधू के बारे में उन्होंने बातचीत करते हुए इमोशनल होते हुए अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया। शिवांगी जोशी ने बताया कि हैप्पी एंडिंग हो रही है तो अच्छा लग रहा है। वेल, शिवांगी जोशी ने गुड न्यूज दे दी है अपने फैंस को कि मोहसिन खान के साथ एक बार फिर से वह नए प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि शायद आप सभी को एक बार फिर से मोहसिन खान और शिवांगी जोशी एक बार फिर से साथ में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको करना होगा थोड़ा सा और इंतजार। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज, और नए अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।